Assalamualaikum alaikum students welcome to chemistry lecture of Jinnah officer school. It's your chemistry teacher Hassan today We shall talk about comparison of reactivity of the halogens. First of all, we need to know what are halogens Halogens are the elements of group number 17 of the periodic table which include which elements fluorine chlorine bromine iodine and Astatine these are the elements which are in included in group number 17 ठीक है और अब इधर क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि इनको हेलोजेंस कहते क्यों हैं सो so, हेलोजेंस का जो वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं किसके लिए सॉल्ट फॉर्मिंग के लिए ठीक है किसके लिए सॉल्ट फॉर्मिंग अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जब ग्रुप नंबर सेवेंटीन का कोई एलिमेंट किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है तो वो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट बनाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर सेवनटीन का एलिमेंट है हेलोजन है जब ये सोडियम जो कि एक मेटल है ग्रुप नंबर वन के अंदर मौजूद होता है इसके साथ मिलकर बॉन्ड आइनिक बॉन्ड बनता है इनके दरमियान और ये कौन सा कंपाउंड बनाता है आइनिक कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है ये एक सॉल्ट है ठीक है इसी तरह से ये दूसरे इस टेबल के सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरिन फ्लोरिन होगा आयोडीन हो गया ब्रोमीन हो गया जब वो किसी दूसरी मेटल के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाएगा तो वो कौन सा होगा वो सॉल्ट होगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल लीथियम जो है वो एक मेटल है ग्रुप नंबर वन के अंदर ठीक है और आ, क्लोरीन जो है वो एक हेलोजन है तो वो लीथियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट होगा ठीक है लिथियम की क्लोरीन के साथ जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो लिथियम क्लोराइड बनेगा लिथियम क्लोराइड एक सॉल्ट है इसी तरह से आप ब्रोमीन की एग्जाम्पल ले, ले कि ब्रोमीन जो है अगर पोटाशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा पोटाशियम क्या है वो एक मेटल है ब्रोमीन जो है वो हैलोजन है तो पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा के बी आर और के बी आर क्या है पोटाशियम ब्रोमाइड दैट इज ऑल्सो अ सॉल्ट सो दैट्स वाई वी कॉल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर सेवेंटीन एज हेलोजन सॉल्ट मेकिंग ओके उसके बाद अब इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है चूँकि ग्रुप के अंदर टॉप के ऊपर मौजूद हैं तो ये गैस के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी डाई एटोमिक गैस डाई एटोमिक का क्या मतलब होता है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलकर बना जिस तरह से आप इधर देख सकते हैं ठीक है फ्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया ये डाई एटोमिक हैं ठीक है यानी कि इनका एक मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलकर बना होता है किस तरह से बना होता है कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू एक फ्लोरीन एटम जो है उसने क्योंकि तो फ्लोरीन जो है उसके वेला चल में है सेवन इलेक्ट्रॉन उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दूसरे फ्लोरिन के साथ कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू दूसरे फ्लोरिन एटम के साथ कोविलेंट बॉन्डिंग करके तो अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करता है तो इस तरह से ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है ठीक है So, उसके बाद है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हेलोजन्स के अंदर वो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो इंक्रीज करती हैं अब इसकी रीज़न क्या है ये इसके बारे में हमने समझना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो हम हमें पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो किस तरह से होती हैं कि जो एटम्स का साइज़ है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होती हैं ठीक है इधर ये बात हो रही है कि एटम्स का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपको पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो सॉरी सो, लिक्विड फॉर्म के अंदर या गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो गैस फॉर्म के अंदर उसके दरियान इंटर मोलिकुलर स्पेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं ठीक है, है? मोलिकुल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है ठीक है बट अगर उन अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आए तो उन

इसमें डिस्टेंस उनके दरम्यान ज़्यादा फिर इधर डिस्टेंस उससे भी कम और इधर सबसे कम डिस्टेंस हो गया क्यों क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बढ़ गया ये जो शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं यानी कि इधर एक शेल है इधर दो शेल है इधर तीन शेल हैं तो देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो रहा है जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं सो दैट्स वाई हम कहते हैं जी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंटरमोिकुलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं और जैसे जैसे इंटरमोलीकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं तो एलिमेंट्स की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो भी चेंज होती हैं यानी कि जो टॉप के एलिमेंट्स हैं वो गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं क्यों क्योंकि उनके दरमान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत वीक हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और जैसे जैसे हम डाउन द दा ग्रुप मूव करते हैं तो जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है और लास्ट के अंदर जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है ठीक है क्यों क्योंकि उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है मॉलिक्यूल का और उनके एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फ़ोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं अच्छा ये पॉइंट हो गया इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है इधर एक टेबल दिया गया जिसके अंदर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन जो है उनके एटॉमिक नंबर जो है वो लिखे गए हैं ठीक है फ्लोरीन का नाइन होता है क्लोरीन का सेवनटीन होता है ब्रोमिन का थर्टी फाइव एन आइड्रीन का फ़िफ्टी थ्री और उसके बाद उनकी उनके कलर के बारे में लिखा हुआ है ठीक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो भी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है क्यों इसकी भी रीज़न यही है फ्लोरीन का साइज सबसे कम है ठीक है ग्रुप के अंदर टॉप के ऊपर प्रेजेंट है तो साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इट मींस के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगी एलिजेंस में से वो भी फ्लोरीन होगी ठीक है तो प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरिन की ही होती है जो कि फोर है लास्ट के अंदर हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होती है वेलेंस सेल की हेलोजेंस की वो होती है एन एस टू एन पी फाइव ठीक है अब एन एस टू एन पी फाइव का क्या मतलब है कि इनके जो शेल के अंदर चूँकि ग्रुप नंबर सेवनटीन के अंदर मौजूद हैं तो वेलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है सेवन में से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में होंगे वो एस सबशेल के अंदर होंगे और पांच इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी सबशेल के अंदर होंगे अब आपको पता है कि ग्रुप जो पी सबशैल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं छः इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो ये इधर एक इधर इनके अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन मौजूद है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी है ठीक है डेफिशिएंसी है मींस कि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सो दैट्स वाई जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो उनके पी सबशेल में एक्सेप्ट होगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वेलाशल की क्या होगी एन एस टू एन पी फाइव ठीक है इधर एन जो है वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कि उसके अंदर उसके उ, उस एटम के अंदर जो शेल्स हैं वो कितने हैं ठीक है थीके? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, हेलोजेंस जो है उनके वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं किस तरह से दो तरह से कर सकते हैं या तो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन और आयनिक बॉन्ड बना देंगे या फिर क्या होगा कि अगर किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है वो बॉन्ड बना के कोविल्ड बॉन्डिंग जो है वो कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और नॉन मेटल के साथ कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंट जो कुछ रिएक्शंस हैं हैंलोजन्स के दूसरे एलिमेंट्स के दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं